Sonali, and once again welcome back to the Physics Friction of Minds. This is a platform where we are dealing with the physics of a 12th board. Okay, so friends, जिस chapter को हम discuss कर रहे हैं वो है mechanical properties of a fluid, जिसे हम fluid mechanics भी कहते हैं. तो start में ही मैंने आपको बताया था कि ये जो chapter है ये हमें 3 sections में पढ़ना है. So hydrostatic हो गया, surface tension भी हमने last lecture में complete कर दिया था. तो अब जो है third section इस chapter का वो है फ्लूइड्स इन मोशन. तो अब हमें क्या करना है, हमने पहले स्टैटिक फ्लूइड की स्टडी की थी जिसे हमने हाइड्रोस्टैटिक कहा, अब हमें मूविंग फ्लूइड की स्टडी करना है जिसे ऑल्टरनेटिवली कहा जाता है हाइड्रोडायनेमिक्स. डायनेमिक्स इसका मीनिंग है वन विच इज इन मोशन एंड हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर इज अ फ्लूइड. द स्टडी ऑफ मूविंग फ्लूइड इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोडायनेमिक्स. ओके, सो हाइड्रोडायनेमिक्स ये एक फिजिक्स की ब्रांच है. सो इट्स वन ऑफ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद अ फ्लूइड, इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड विच इज इन मोशन, दैट इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोडायनेमिक्स विच इज ऑल्टरनेटिवली कॉल्ड एज अ फ्लूइड्स इन मोशन. ठीक है, अब देखो जब भी हम कोई टॉपिक डिस्कस करते हैं तो सब पहले हम बेसिक डिस्कस करते हैं, राइट. सो अब देखो अगर आपका फ्लूइड मोशन में है, आपका फ्लूइड मोशन में है तो एक चीज तो क्लियर है कि वो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है. ओके, सो द इफ फ्लूइड इज इन मोशन ऑफकोर्स द फ्लूइड इज फ्लोइंग, राइट. So first of all, what we'll do, we'll discuss the types of flow. We will discuss the types of flow. Okay. So as you are dealing with the fluids in motion, fluid is in motion means fluid is flowing. So now let's see the types of flow. So basically, और एक चीज मैंने आपको बताई थी कि stationary fluid ठीक है, but moving fluid की study करना थोड़ा सा complicated है. और वो जो कॉम्प्लिकेशंस है उसे ओवरकम करने के लिए हमने फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि हम जो फ्लूइड कंसिडर करेंगे वो कैसा होगा, इट विल बी आइडियल इन नेचर. और अगर हम आइडियल फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो आइडियल फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज है, 4 प्रॉपर्टीज, वो हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. सो आप भूल चुके हो गए तो सबसे पहले फिर से जाके फर्स्ट लेक्चर में आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज देखो और उसके बाद हाइड्रोडायनेमिक्स स्टडी करो, क्योंकि हाइड्रोडायनेमिक्स में हम जो फ्लूइड कंसिडर करेंगे मूविंग फ्लूइड वो आइडियल होगा और आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, सो एज योर फ्लूइड इज इन मोशन दैट मीन्स योर फ्लूइड इज फ्लोइंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ फ्लो. सो फ्लो के जो टाइप्स हैं, इट हैज टू टाइप्स आउट ऑफ वन विच वन इज स्ट्रीम लाइन फ्लो. दिस इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन फ्लो और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैमिनर फ्लो, लैमिनर फ्लो. और दूसरा जो टाइप है वो है टर्ब्यूलेंट फ्लो, टर्ब्यूलेंट फ्लो. सो हर मूविंग फ्लूइड के और फ्लो के दो टाइप्स होते हैं, एक है स्ट्रीम लाइन फ्लो और दूसरा है टर्ब्यूलेंट फ्लो. अब ये क्या है, तो ये बहुत सिंपल है. देखो हम सिंपल सा, क्योंकि हम कोई भी चीज को ना हम हमारे आसपास की चीजों से जितना रिलेट करके पढ़ेंगे उतना ही हमें वो चीजें जल्दी समझ में आती है, राइट. सो हम ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगे. हमारे घर पे क्या होता है, टैप होता है, टैप, वाटर टैप. सो सपोज यू हैव अ वाटर टैप लाइक दिस, सपोज यू हैव सर्टेन वाटर टैप लाइक दिस. ओके, सो दिस इज वाटर टैप. ओके, इस तरह से वाटर टैप है और यहाँ पे क्या है, उसका कॉक है जहां से आप उसको ऑन ऑफ करोगे. सपोज इसमें क्या कर दिया आपने, पाइप लगा दिया, इसमें क्या कर दिया आपने, ट्रांसपेरेंट पाइप लगाया है सो दैट अंदर का जो फ्लूइड मूव होगा वो आपको इजीली ऑब्जर्व होगा. ठीक है, इस तरह से. सो सिंपल सी एक्टिविटी हम कर रहे हैं कि हमने क्या किया, एक वाटर पाइप लिया विच इज ट्रांसपेरेंट और वो इस टैप में फिक्स कर दिया. अब आप क्या करो, इस टैप को थोड़ा सा ओपन करो. जब आप इस टैप को थोड़ा सा ओपन करोगे सो फ्लूइड की जो स्पीड रहेगी वो कैसे रहेगी, कम रहेगी. सो इट विल बी स्लो. तो जब आप देखोगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पे फ्लूइड फ्लो होते हुए दिखेगा लाइक दिस. ठीक है, अब ये जो फ्लो है वो स्टेडी फ्लो है. स्टेडी फ्लो मीन्स व्हाट, इफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट एवरी गिवन पॉइंट इज कॉन्स्टेंट ओवर गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब अगर यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड होगी, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो इस टाइप के मोशन को कहा जाता है, इस टाइप के फ्लो को कहा जाता है स्टेडी फ्लो. ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्टेडी फ्लो नजर आएगा जो कि रेगुलर है, जो कि एक ऑर्डर्ड फ्लो है. ठीक है, डिसिप्लिन फ्लो है.
इसी फ्लो को कहा जाता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। और अगर आपको फिर से और अच्छे से इसे ऑब्जर्व करना है, मैं विजुअलाइजेशन की भी बात नहीं कर रही हूँ, आप ऑब्जर्व कर सकते हो। आप क्या करो, एक इंजेक्शन लो, एक इंजेक्शन लो, उसमें एक कलर का फ्लूइड लो या फिर वाटर लो, और वाटर में एक आधा कलर ऐड कर दो, और वो कलर्ड फ्लूइड जो है वो इंजेक्शन में लो, और इसे ये ट्रांसपेरेंट पाइप है, सपोज यहाँ से आप क्या करो, वो कलर फ्लूइड, सपोज रेड कलर का फ्लूइड है, वो इसमें इंजेक्ट करो। जैसे ही आप कलर फ्लूइड इसमें इंजेक्ट करोगे तो आपको वो रेड कलर की जो स्ट्रिम्स है वो इस तरह से दिखेगी, लाइंस के फॉर्म में इस तरह से दिखेगी। क्योंकि पहले तो वाटर फ्लो हो रहा था जो कि कलरलेस था, अब आपने उसमें रेड कलर का फ्लूइड इंजेक्ट कर दिया इंजेक्शन के थ्रू, तो आपको ऐसे रेड कलर की स्ट्रिम्स दिखेगी, स्ट्रिम्स स्ट्रिम्स की लाइंस दिखेगी, और इसी को कहते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। समझ में आया? सो स्ट्रीम लाइन फ्लो इट्स अ काइंड ऑफ स्टेडी फ्लो विच इज अ रेगुलर फ्लो विच इज अ ऑर्डर्ड फ्लो, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रीम लाइन फ्लो, जिसमें क्या हो रहा है कि लिक्विड की हर लेयर, ये लिक्विड है ना, तो लिक्विड में नंबर ऑफ लेयर्स होती है, जैसे भले ही हमें वो लिक्विड बल्क के फॉर्म में दिखता है, बट ये लिक्विड में ये ऐसी लेयर्स होती है। ओके, सो स्ट्रीम लाइन फ्लो अगर है तो क्या है, हर लेयर दूसरी लेयर पे स्मूथली मूव हो रही है, उनके बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, उनके बीच कोई इंटरसेक्शन नहीं है। सो दिस फ्लो इन विच अ फ्लो इज स्टेडी एंड एवरी एडजेसेंट लेयर ऑफ अ लिक्विड इज मूविंग स्मूथली ओवर ईच अदर, दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रीम लाइन फ्लो। करेक्ट, समझ में आया? सो अब देखो स्ट्रीम लाइन फ्लो को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो डेफिनेशन जो है मैं पहले ओरली बता देती हूँ। सो स्ट्रीम लाइन फ्लो इज अ काइंड ऑफ स्टेडी फ्लो। देखा ना आपने कैसे स्ट्रीम्स फॉर्म हुई थी कलर्ड लिक्विड की, और जो स्ट्रेट लाइन्स दिखेगी आपको करके देखो आप घर पे, उसी को कहा जाता है स्ट्रीम लाइन फ्लो विच इज अ स्टेडी फ्लो इन विच ऑल द एडजेसेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड कैन मूव स्मूथली ओवर ईच अदर विदाउट एनी फ्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रीम लाइन फ्लो। फिर टर्बुलेंट फ्लो क्या है पहले हम समझ लेते हैं, फिर हम डेफिनेशन लिख लेंगे, ठीक है? अब टर्बुलेंट फ्लो क्या है, अब क्या करो, यही टैप था, सेम पाइप सेम टैप, इसको पूरा ओपन कर दो। जब आप टैप को पूरा ओपन कर दोगे तो अब जो फ्लूइड इसमें से फ्लो होगा वो बहुत ज़्यादा रेट से फ्लो होगा, उसका फ्लो रेट बहुत ज़्यादा होगा, ये चीज़ क्लियर है? अगर फ्लो रेट बहुत ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा होगी, ये भी क्लियर है, ठीक है? वेलोसिटी जब ज़्यादा होगी तो अब आप अगर देखोगे तो ये फ्लूइड जो है वो कुछ इस तरह से आपको रैंडमली फ्लो होते हुए देखा, जिसमें कोई ऑर्डर नहीं है, जिसमें कोई रेगुलरिटी नहीं है, जिस जो इरेगुलर है, जो डिसऑर्डर्ड है, और इसी फ्लो को कहा जाता है टर्बुलेंट फ्लो। कितना सिंपल है? सो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीम लाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। और इस ये समझने के लिए हम बहुत दूर नहीं गए, हमने सिंपली हमारे घर का एग्जाम्पल लिया वाटर टैप का। सो कैसे डिफाइन करोगे स्ट्रीम लाइन, और इसे ऑल्टरनेटिवली लैमिनर फ्लो कहते हैं। लैमिनर फ्लो क्यों कहते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया स्ट्रीम लाइन फ्लो में लिक्विड की हर लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्मूथली मूव होती है विदाउट एनी फ्रिक्शन और इंटरसेक्शन। ओके, अब लैमिना मतलब प्लेन, अब लिक्विड की हर लेयर एक प्लेन की ही तरह एक्ट होगी ना। अब इसको कैसे विजुअलाइज किया जाए, तो आपने वो जेरोक्स के या प्रिंटिंग के जो पेजेस होते हैं, जिस वो पूरा रिम जो होता है, वो रिम में देखना, बहुत सारे पेजेस मिला के एक रिम तैयार होता है, ऐसा बंच तैयार होता है। ओके, सो वो लैमिनाज है, वो प्लेन्स है, पेपर जो है वो प्लेनर है, सो वो सारे प्लेन्स मिला के एक लैमिना तैयार हुआ, राइट? सॉरी, एक बंच तैयार हुआ, एक रिम तैयार हुआ। वैसे यहाँ पे लिक्विड की हर लेयर जो है वो पेपर की तरह इमेजिन करो, प्रिंटिंग के पेपर की तरह। सो लिक्विड की हर लेयर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक है। सो इस तरह से बल्क फॉर्म हुआ, और वो बल्क में लिक्विड की हर इंडिविजुअल लेयर एक्ट्स लाइक दिस प्लेनर लैमिना, एंड दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ लैमिनर फ्लो, ठीक है? सो कैसे डिफाइन करोगे, इट इज अ स्टेडी फ्लो। ये क्या है, एक स्टेडी फ्लो है जिसमें क्या है, इन विच एडजेसेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड कैन मूव स्मूथली
ओवर ईच अदर इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन फ्लो. सो दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रीम लाइन फ्लो. ओके, कितना सिंपल है. अब टर्बुलेंट फ्लो मतलब क्या, ये एक ऐसा फ्लो है जिसमें फ्लो रेट बहुत ज्यादा है. सो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इट इज अ काइंड ऑफ फ्लो विथ वेरी हाई फ्लो रेट, जिसका फ्लो रेट कैसा है, बहुत ज्यादा है. और यहाँ पे विच इज, ये स्टेडी नहीं है, ये फ्लो स्टेडी नहीं है, विच इज नॉट स्टेडी, ये स्टेडी नहीं है, ये रेगुलर नहीं है, ये डिसऑर्डर्ड है, ये इरेगुलर है. और इसमें क्या हो रहा है, इसमें फ्लो पैटर्न जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होगा. यहाँ पे फ्लो पैटर्न जो है वो रेगुलर रहेगा. एंड इन विच फ्लो पैटर्न चेंजेस कंटिन्यूअसली इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एज अ टर्ब्यूलेंट फ्लो. ओके, सो दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड अ टर्ब्यूलेंट फ्लो. ठीक है, तो ये रहा दोनों में का बेसिक, दोनों के बेसिक डेफिनेशन. अब अगर आप एग्जाम्पल की बात करो तो एग्जाम्पल में क्या आएगा बताओ, स्टेडी फ्लो. अगर आपने रिवर को ऑब्जर्व किया होगा, सो स्टेडी फ्लो ऑफ रिवर कैन बी कंसिडर एज अ स्ट्रीम लाइन फ्लो. अब यहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो का एग्जाम्पल क्या आएगा, रिवर वही है, रिवर में फ्लूड भी वही है, बट अगर फ्लड आया होगा तो फ्लडेड रिवर. आपने कभी फ्लडेड रिवर में का वाटर या फिर लिक्विड को फ्लो होते हुए देखा होगा, तो उसमें कोई रेगुलरिटी नहीं होती है, उसमें कोई डिसिप्लिन या फिर एक क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट नहीं होती है, राइट, ऑर्डर्ड मूवमेंट नहीं होती है. सो उस रैंडम मूवमेंट को, उस फ्लूइड के रैंडम फ्लो को कहा जाता है टर्बुलेंट फ्लो. सो अगर रिवर में से स्टेडीली फ्लो हो रहा होगा, सो दैट इज स्ट्रीमलाइन. और अगर उस रिवर में फ्लड आया होगा, तो दैट फ्लडेड वाटर इन द रिवर कैन बी कॉल्ड एज अ टर्बुलेंट फ्लो. अंडरस्टूड. सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो. तो आपको एग्जाम में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है दोनों में का. तो फर्स्ट पॉइंट में आप क्या करोगे, डेफिनेशन लिखोगे. सेकेंड पॉइंट में क्या करोगे, आप एग्जाम्पल लिखोगे. और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि इन स्ट्रीमलाइन फ्लो नो टू स्ट्रीमलाइन और वी कैन से नो स्ट्रीमलाइन और वी कैन सिंपली से स्ट्रीमलाइंस मतलब वो ही लिक्विड की लेयर्स. स्ट्रीमलाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. देर इज नो फ्रिक्शन, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. दैट मीन्स दे मूव्स पैरेलली, वो पैरेलली मूव होती है, बिकॉज हमें पता है टू पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, राइट. बट इन केस ऑफ अ टर्बुलेंट फ्लो, अगर आपका फ्लो टर्बुलेंट होगा, तो टर्बुलेंट फ्लो में देयर मे बी अ वॉटर में टर्न इंटू अ रोटेशनल फॉर्म. द वॉटर मे टर्न इंटू रोटेशनल फॉर्म बिकॉज ऑफ चेंज इन फ्लो पैटर्न बदला. तो अगर ऐसे मूव हो रहा होगा, ऐसे फ्लो हो रहा होगा वाटर, तो वह अपना पैटर्न चेंज करके ऐसे भी फ्लो हो सकता है, जिसे हमने कहा रोटेशनल फॉर्म. और अगर ये केस होगी तो वहाँ पे एडीज फॉर्म होगी. एडीज मतलब, एडीज को अल्टरनेटिवली कहा जाता है वर्लपूल. आपके टेक्स्ट बुक में एडीज ये वर्ड दिया है वर्लपूल मतलब भी नहीं समझा होगा. तो अगर वाटर रोटेशनल टर्न होगा रोटेशनली, तो देखो ये इस तरह का साइक्लोन टाइप कुछ तो भी फॉर्म होगा वाटर में, राइट. सो दैट इज कॉल्ड एज अ टर्बुलेंस. मतलब ऑब्वियसली अगर वाटर इस तरह से बहुत स्पीड से मूव हो रहा है, तो स्ट्रीम लाइन तो है ही नहीं, तो वो कौन सा हो गया, टर्बुलेंट हो गया. सो देखो, अगर आपको इस वजह से प्रिपेयर करना है कि अगर आपको डेफिनेशन आई तो आपको डेफिनेशन में लिखते आना चाहिए, अगर आपको डिफरेंस आया तो आपको डिफरेंस में लिखते आना चाहिए. सो एक पॉइंट तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो डिफरेंस में, दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हो, तीसरा आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखो, स्ट्रीम लाइन में नो टू स्ट्रीम लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, दे मूव्स पैरेलली एंड स्मूथली ओवर ईच अदर. एंड हियर एज द फ्लो पैटर्न चेंजेस, द फ्लो मे टेक्स अ रोटेशनल फॉर्म
एंड दैट्स वाई देर मे बी द फॉर्मेशन ऑफ एडीज और वर्लपूल्स, सच लाइक सच काइंड ऑफ सर्कुलर रिंग्स. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रीम लाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आपको ये ध्यान में रखना है. अब देखो, हमने दो फ्लो का क्लासिफिकेशन किया, स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंट. अब एक चीज तो हमें पता है कि जब भी क्लासिफिकेशन होता है तो एक पर्टिकुलर बेसिस पे होता है. अब जब हमने यहाँ पर टैप का एग्जांपल लेके दोनों फ्लो स्टडी किए तो हमने एक ही चीज की कि स्ट्रीमलाइन के वक्त हमने टैप थोड़ा सा ओपन किया था तो फ्लो स्टेडी था, जिसे हमने स्ट्रीमलाइन कहा. फ्लो स्टेडी था मतलब उसकी जो स्पीड थी वो कांस्टेंट थी, राइट. और जैसे ही हमने पूरा टैप ओपन कर दिया, फ्लो का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया, वो रैंडम हो गया, वो डिसऑर्डर्ड हो गया, जिसे हमने कह दिया टर्बुलेंट. तो टर्बुलेंट के केस में जो स्पीड थी, फ्लो स्पीड जो थी, फ्लो रेट जो था, वो कैसा था? मैक्सिमम था. मतलब ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हुआ है? ये क्लासिफिकेशन हुआ है वेलोसिटी के बेसिस पे, वेलोसिटी के बेसिस पे, राइट. और इसी वेलोसिटी को कहा जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी. अंडरस्टूड? सो व्हेन द वेलोसिटी इज लेस द फ्लो वाज स्ट्रीमलाइन, व्हेन द वेलोसिटी वाज मैक्सिमम द फ्लो वाज टर्बुलेंट. तो ये जो फ्लो का क्लासिफिकेशन हुआ है ये वेलोसिटी के बेसिस पे हुआ है. सो उस लिमिटिंग वेलोसिटी को, जिसके पहले का फ्लो स्ट्रीमलाइन होगा और जिसके बाद का फ्लो टर्बुलेंट होगा, उस लिमिटिंग वेलोसिटी को कहा जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी. तो अब हम डिफाइन करेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी. तो अभी हमने कहा कि ये तो एक लिमिटिंग वेलोसिटी है ना, जिसके पहले का फ्लो स्ट्रीमलाइन है, जिसके ऊपर का फ्लो टर्बुलेंट है. सो क्या होगा? क्रिटिकल वेलोसिटी इज डिफाइंड एज इट इज लिमिटिंग वेलोसिटी, इट इज अ लिमिटिंग वेलोसिटी बियॉन्ड विच क्या हो रहा है इसके ऊपर, बियॉन्ड विच स्ट्रीमलाइन फ्लो बिकम्स और ट्रांसफॉर्म्स इंटू टर्बुलेंट फ्लो, बिकम्स टर्बुलेंट फ्लो इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी. इतना सिंपल है. So critical velocity is just the limiting velocity below which the flow will be streamlined and beyond which the flow will transform from streamlined to turbulent. That is called as a critical velocity. Okay. अब इस critical velocity का formula है Vc equals to, where V stands for the velocity, C stands for the critical. Okay. So इसका formula है Rn eta अपॉन रो डी. सो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस के आउट ऑफ स्कोप है. तो आपको सिंपली फॉर्मूला ध्यान में रखना है क्रिटिकल वेलोसिटी का. अब यहाँ पे ये दो आपके लिए जरा स्ट्रेंज टर्म्स है, राइट. सो दिस आर एन, ये जो आर एन है, दिस आर एन, दिस इज कॉल्ड एज रेनॉल्ड्स नंबर. So this Rn is called as a Reynolds number. This eta is called as coefficient of viscosity. Okay. उसके बाद ये rho जो है, rho हमेशा क्या होता है? Density. और यहाँ fluid की बात हो रही है तो density भी किसकी होगी? Fluid की होगी, right? और उसके बाद d जो है, जनरली फिजिक्स में रो और डी दोनों डेंसिटी के लिए यूज होते हैं नोटेशन, बट रो ऑलरेडी डेंसिटी के लिए यूज हो चुका है तो डी मतलब डेंसिटी नहीं, डी क्या है? डायामीटर ऑफ ट्यूब. अब आप बोलोगे कि भाई ट्यूब कहाँ से आई, डायामीटर कहाँ से आई? सो जो भी फ्लो आपका हो रहा है वो एक पर्टिकुलर, सपोज पाइप में से हो रहा है, ट्यूब में से हो रहा है, तो उस ट्यूब की जो डायामीटर है वो है डी. ठीक है, इतना क्लियर है. अब देखो, अब क्या है कि डेफिनेशन हमें समझ में आ गई, फॉर्मूला हमने डायरेक्टली लिख लिया क्योंकि इसका डेरिवेशन आउट ऑफ स्कोप है, सिलेबस के आउट ऑफ स्कोप है. इसमें ये दो तो फैमिलियर टर्म है, रो और डी, ठीक है, डेंसिटी डायमीटर वी नो दिस. अब बचा ईटा, ईटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. तो हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्कोसिटी
देखेंगे तब आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में डिटेल में बताऊंगी, ठीक है? तो इसे जरा हम साइड में रखते हैं। फिर अब और कौन सा बचा, फोर्थ पैरामीटर आर एन। दिस आर एन इज कॉल्ड एज अ रेनॉल्ड्स नंबर। सो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज रेनॉल्ड्स नंबर। ओके नाउ सी, सो रेनॉल्ड्स नंबर, नंबर लिखा है ना आगे, तो ये कोई फिजिकल क्वांटिटी तो है नहीं, रेनॉल्ड्स नंबर इज जस्ट अ नंबर। अब अगर ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है तो ये मेजरेबल नहीं है, मतलब इसका ना तो यूनिट है ना इसका डायमेंशन है। सो एक चीज क्लियर कर लो कि ये जो रेनॉल्ड्स नंबर है, दिस इज अ प्योर नंबर विच इज यूनिटलेस एंड अ डायमेंशनलेस। अब ये रेनॉल्ड्स नंबर की डेफिनेशन आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दी है, बट इसका सिग्निफिकेंस अगर किसी ने पूछा कि रेनॉल्ड्स नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है तो क्या बताओगे? दिस रेनॉल्ड्स नंबर इज अ प्योर नंबर, इट्स अ प्योर नंबर विच डिसाइड्स, ये नंबर डिसाइड करता है, विच डिसाइड्स वेदर द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, फ्लो इज स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट। सो दिस रेनॉल्ड्स नंबर डिसाइड्स वेदर द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट। ओके, अब ये रहा, इसको आप डेफिनेशन करके भी यूज कर सकते हो, और ये रहा रेनॉल्ड्स नंबर का फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है? तो जो फ्लो है फ्लूइड का वो स्ट्रीमलाइन होगा कि टर्बुलेंट होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? इट विल बी डिसाइडेड बाय दिस प्योर नंबर दैट वी कॉल्ड एज अ रेनॉल्ड्स नंबर, क्लियर? अब रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला कोई अलग से तो बनाया नहीं है, इसी को मैनिपुलेट कर दो। आर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वी सी रो डी अपॉन ईटा। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। अब कोई क्या करता है, हार्डवर्क करता है ना, सो हार्डवर्क के चक्कर में क्या करता है, ये डेफिनेशन, ये फॉर्मूला अलग से लर्न करता है, ये फॉर्मूला अलग से लर्न करता है। सो इतनी सारी रिलेटेड चीज़ें अगर ध्यान में रखोगे तो नहीं होती है ध्यान, तो क्या करना है, सिर्फ इसे ध्यान रखना है, वी सी का फॉर्मूला ध्यान रखना है, और इसी पे से आप रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला लिख सकते हो या फिर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का लिख सकते हो, ठीक है? सो गो थ्रू द स्मार्ट वर्क, ओके, इंस्टेड ऑफ अ हार्ड वर्क। सो दिस इज द सिंपल फॉर्मूला ऑफ अ रेनॉल्ड्स नंबर। नाउ एज दिस नंबर डिसाइड्स वेदर द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट। सो देखो, अब ये रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यूज दी है टेक्स्ट बुक में, अब ये रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यूज डिसाइड करेगी कि आपका फ्लो किस टाइप का होगा। तो ये जो वैल्यूज है ये हमारे स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में अलग है और एनसीईआरटी में अलग है, ठीक है? बट हमारी जो टेक्स्ट बुक है वो अभी अपडेट हुई हुई है, सो हम हमारे टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जाएंगे, ठीक है? सो अकॉर्डिंग टू आर एमएस बोर्ड टेक्स्ट बुक, अपडेटेड टेक्स्ट बुक, इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 1000, इज लेस देन 1000, देन फ्लो इज स्ट्रीमलाइन। तो फ्लो कैसा रहेगा? स्ट्रीमलाइन। इफ रेनॉल्ड्स नंबर is greater than 2000, then flow will be turbulent. So flow कैसे रहेगा? Turbulent. Okay? And if Reynolds number is in between, if this Rn is in between 1000 to 2000, तो flow ना तो purely streamline रहेगा ना ही purely turbulent रहेगा, it will be unsteady. ये flow कैसे रहेगा? अनस्टेडी रहेगा, मतलब ना तो प्योरली स्ट्रीमलाइन रहेगा ना ही प्योरली टर्बुलेंट रहेगा, इट विल बी इन बिटवीन स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट, सो दैट फ्लो इज कॉल्ड एज अ अनस्टेडी फ्लो, अंडरस्टूड? अब एनसीईआरटी में जो है, यहाँ पे 1000 की जगह पे 2000 है, 2000 की जगह पे 3000 है, और यहाँ पे 2000 to 3000 है, ठीक है? सो गो विद द वैल्यूज गिवन इन योर एमएच बोर्ड टेक्स्ट बुक, बिकॉज यही वैल्यूज आपको सीईटी के लिए यूज करना है, ठीक है? सो क्योंकि सीईटी में हमारा स्टेट बोर्ड का ही सिलेबस आता है, सो रिमेंबर दिस वैल्यूज ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर दैट डिसाइड्स वेदर द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट, ओके? और ये आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, सो एमसीक्यू के लिए भी ये चीजें ध्यान में रखो, दैट इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज, कैसे आ सकता है प्रॉब्लम? देखो, प्रॉब्लम मतलब एमसीक्यू, इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 1000 देन द फ्लो विल बी, फिर चार ऑप्शन रहेंगे, स्ट्रीमलाइन, टर्बुलेंट, अनस्टेडी, स्टेडी, व्हाटएवर, सो चूज द करेक्ट ऑप्शन, ओके?
सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी. एंड क्रिटिकल वेलोसिटी पे ही एक अननोन टर्म हमें मिली थी, रेनॉल्ड्स नंबर, तो हमने उसको भी डिस्कस कर लिया. ठीक है, सो ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर. अब फ्लो की बात हम कर रहे थे, तो हमने दो टाइप्स देखे थे फ्लो के, स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट. ओके, तो वो फ्लो का जो क्लासिफिकेशन है वो वेलोसिटी के बेसिस पे हुआ. उस लिमिटिंग वेलोसिटी को हमने कहा क्रिटिकल वेलोसिटी. उसका फॉर्मूला में एक और न्यू टर्म मिली, रेनॉल्ड्स नंबर, उसे भी हमने डिस्कस कर लिया. अब फ्लो से ही रिगार्डिंग कुछ और छोटे छोटे टर्म्स हैं, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं. उसमें की पहली है फ्लो लाइन, क्योंकि ये चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न. फ्लो, टाइप्स ऑफ फ्लो इम्पॉर्टेंट है, बट एज हम सिलेबस कवर कर रहे हैं तो हमें कोई चीज़ नहीं छोड़ना है. सो बहुत ही सिंपल है, देखो फ्लो लाइन मतलब क्या. सो सपोज ये क्या है, आपका एक ट्यूब है. अब इतना बड़ा ट्यूब नहीं होता है, घर का पाइप, उसे हमने जूम करके ड्रॉ कर लिया. ऐसे इमेजिन करो लाइक दिस. ये क्या होगा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया परपेंडिकुलर टू प्लेन. इसे कट करते जाओ, सो ये जो बनेगा दैट इज कॉल्ड एज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया. दिस एरिया, ये ट्यूब, उसका ये एरिया. ठीक है, अब इसमें क्या है, सपोज फ्लूइड है. क्या है, फ्लूइड है, इस तरह से ऐसे मूव हो रहा है लाइक दिस. फ्लूइड इन मोशन, दैट इज हाइड्रोडायनामिक्स. सो ऑफकोर्स अब हमारा फ्लूइड हमेशा कैसे रहेगा, मोशन में रहेगा, फ्लो होते रहेगा इस तरह से. अब देखो हम बात कर रहे हैं मूविंग फ्लूइड की, राइट. फ्लूइड मतलब क्या है, कोई लिक्विड है ना, क्योंकि हम चैप्टर में लिक्विड ही ले रहे हैं, गैस के लिए अलग चैप्टर है हमारे पास. अब लिक्विड बोले तो क्या है, मैटर है. अब मैटर कैसे बनता है, मैटर बनता है पार्टिकल्स से. मतलब इस मूविंग फ्लूइड में बहुत सारे पार्टिकल्स है. सो सपोज यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे. सो ये जब एंटायर फ्लूइड मूव होगा, जब एंटायर फ्लूइड मूव होगा तो क्या होगा, ये पार्टिकल भी मूव होगा. तो ये पार्टिकल एक पर्टिकुलर पाथ ट्रेस करेगा, ये दूसरा पार्टिकल, ये अपना एक पाथ ट्रेस करेगा. यहाँ पे भी कोई पार्टिकल होगा, ये अपना पाथ ट्रेस करेगा, यहाँ का पार्टिकल, ये पाथ, यहाँ का ये, यहाँ का ये, यहाँ का ये. सो हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल जो है आपके मूविंग फ्लूइड में, वो एक पर्टिकुलर पाथ ट्रेस कर रहा है, और उसी पाथ को, उसी स्ट्रेट लाइन को कहा जाता है फ्लो लाइन. सो कैसे डिफाइन करोगे फ्लो लाइन को, एन इंडिविजुअल पाथ, एन इंडी, हर पार्टिकल का अपना एक इंडिविजुअल पाथ है, राइट, उस मूविंग फ्लूइड में. सो एन इंडिविजुअल पाथ ट्रेस्ड बाय, ट्रेस्ड बाय पार्टिकल, और यू कैन से अ पाथ ट्रेस्ड बाय, अ पाथ ट्रेस्ड बाय इंडिविजुअल पार्टिकल. एक ही चीज है, अ पाथ ट्रेस्ड बाय इंडिविजुअल पार्टिकल इन मूविंग फ्लूइड, इन मूविंग फ्लूइड इज कॉल्ड एज, इज कॉल्ड एज फ्लो लाइन. सो दिस इज कॉल्ड एज फ्लो लाइन. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया. सो जैसे आपका फ्लूइड मूव हो रहा है, तो मूविंग फ्लूइड में भी बहुत सारे पार्टिकल है. हर इंडिविजुअल पार्टिकल जो अपना एक पाथ ट्रेस कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन ट्रेस कर रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज फ्लो लाइन, राइट. बट ये स्ट्रेट लाइन पाथ सिर्फ स्ट्रीम लाइन फ्लो में ही पॉसिबल है, ये भी आप ध्यान में रखना. नेक्स्ट टर्म है फ्लो ट्यूब. फ्लो ट्यूब, अब फ्लो ट्यूब क्या है, तो अभी देखो यहाँ पे ये जस्ट इमेजिनेशन है, ठीक है, ये रियल में नहीं दिखेगा आपको. ये पार्टिकल की ये फ्लो लाइन, ये फ्लो लाइन, ये फ्लो लाइन. अब हर पार्टिकल के पाथ, हर इंडिविजुअल पार्टिकल के पाथ अपना एक पाथ है, और उसी पाथ को हमने क्या कहा, फ्लो लाइन कहा. अब इतने सारे पार्टिकल, जितने पार्टिकल उतनी फ्लो लाइन्स, तो हम क्या करते हैं, सारी फ्लो लाइन्स को मिला देते हैं. तो सारी फ्लो लाइंस मिला के जो एक बंडल फॉर्म होगा, जो एक बंच फॉर्म होगा, जो एक ट्यूब फॉर्म होगी, उसे ही कहा जाता है फ्लो ट्यूब. सो डेफिनेशन क्या होगी, एंड इमेजिनरी, ये सारी इमेजिनेशन है, एंड इमेजिनरी बंडल, बंडल बोलो, ट्यूब बोलो,
एन इमेजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाइन्स, जितनी भी फ्लो लाइन्स है उनको मिला के जो एक इमेजिनरी बंडल या बंच फॉर्म होगा, विच इज बाउंडेड बाय इमेजिनरी वॉल्स. देखो ये इमेजिनरी वॉल से भी बाउंडेड है, सो इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज फ्लो ट्यूब. ओके, सो सिंपल सी डेफिनेशन है फ्लो ट्यूब की. सो हर इंडिविजुअल पार्टिकल का पाथ, मतलब फ्लो लाइन, सारी फ्लो लाइन मिला के जो एक इमेजिनरी बंडल फॉर्म हुआ, जो कि एक इमेजिनरी वॉल से बाउंडेड है, उसे हम कहते हैं फ्लो ट्यूब. एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो चुका है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज फ्लो ट्यूब. ओके, सो ये कुछ छोटी छोटी टर्म्स थी, ये भी आपको पता होना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है. सो हमें एक भी मार्क मिस नहीं करना है, राइट? वन एक एक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है. सो सारी चीज़ें ध्यान में रखो. तो देखो डिफरेंस जो मैंने बताया आपको स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो का, तो फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया आपको, फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट डेफिनेशन. सेकेंड पॉइंट क्या बताया कि यहाँ पे स्ट्रीमलाइंस में दो स्ट्रीमलाइन पैरेलल रहती है, इंटरसेक्ट नहीं होती, यहाँ पे इंटरसेक्ट होके रैंडमली मूव होता है, फ्लूइड एडीज फॉर्म होती है, रोटेशनल फॉर्म होता है, ठीक है. दूसरा पॉइंट लिख दो. तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, क्रिटिकल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देखा ना, तो स्ट्रीम लाइन में क्या लिखोगे, द फ्लो इन विच फ्लूइड मूव्स विद अ वेलोसिटी लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी इज अ स्ट्रीम लाइन. और टर्बुलेंट में क्या लिखोगे, द फ्लो इन विच फ्लूइड मूव्स विद अ वेलोसिटी ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी इज अ टर्बुलेंट. ये एक और पॉइंट हमें मिल गया. सो थर्ड पॉइंट आपका रहेगा रिगार्डिंग क्रिटिकल वेलोसिटी VC. और फोर्थ पॉइंट में क्या लिखोगे, एग्जाम्पल्स. तो ऐसे आपको 2 मार्क के लिए डिफरेंस पूछा जा सकता है अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे. तो आपको 4 पॉइंट्स मैक्सिमम आपके आने चाहिए 2 मार्क्स के लिए. तो ये 4 पॉइंट्स आप खुद से लिख सकते हो. ओके, सो दिस इज द वर्क गिवन टू यू, जस्ट पॉइंट आउट द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीम लाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो. ओके, पॉइंट्स मैंने आपको निकाल के दे दिए हैं, आपको जस्ट राइट डाउन करना है. ओके, सो आज का लेक्चर था हमारा हाइड्रोडायनेमिक्स का. तो हमने हाइड्रोडायनेमिक्स मतलब क्या वो देखा, हमारा फ्लूइड जो है वो मोशन में है, फ्लो हो रहा है, तो हमने टाइप्स ऑफ फ्लो देखे. फ्लो को डिस्कस करने के लिए सिंपल सा टैप का एग्जांपल लिया. तो दोनों की डेफिनेशन देखे, एग्जांपल्स देखे, जिस बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन हुआ वो लिमिटिंग वेलोसिटी को कहा जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी, उसकी डेफिनेशन देखी, उसमें जो एक अननोन टर्म मिली रेनॉल्ड्स नंबर उसे डिस्कस किया, उसका सिग्निफिकेंस देखा, उसकी वैल्यूज देखी जो डिसाइड करेगा कि फ्लो स्ट्रीम लाइन रहेगा या टर्बुलेंट. उसके बाद और कुछ छोटी छोटी टर्म्स थी रिगार्डिंग हाइड्रोडायनेमिक्स. तो ये था फ्लो लाइन और फ्लो ट्यूब, ठीक है. सो ये सारा ये जो कुछ आज हमने डिस्कस किया 1 मार्क के लिए आपको सेक्शन ए में पूछा जा सकता है. सो इम्पॉर्टेंट है, सो अच्छे से करिए. हम डेरिवेशन अच्छे से कर लेते हैं और छोटी छोटी चीज़ें हम जस्ट ओवरलुक करते हैं, और एक्चुअली हमारे मार्क्स ले ही जाते हैं, राइट? सो मार्क्स हमें कहीं जाने नहीं देना है. डू इट, प्रिपेयर इट नाइसली. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे विस्कोसिटी, न्यू पॉइंट देखेंगे. अंटिल देन स्टे स्टूडियस, स्टे क्यूरियस. थैंक यू.